नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष द्विवेदी। आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। निजी कार्यक्रम में शामिल होने खंडवा पहुंची लाल दुपट्टा गर्ल, कही किशोरदा को भारत रत्न देने की बात। सुल्तानपुर से टिकट फाइनल होने के बाद पहली बार संसदीय क्षेत्र पहुंची मेनका गांधी, स्वागत में उमड़ा जन सैलाब। शामगढ़ के गांव पिछला के एक बाड़े में लगी आग, गेहूं और भूसे के साथ साथ गाय और बछड़े भी जले। किशोरदा को भारत रत्न मिलना चाहिए, इसके लिए डिजर्व करते हैं। अगर उन्हें नहीं दिया जाएगा तो किसे दिया जाएगा? यह बात खंडवाई फिल्म अभिनेत्री रितु शिवपुरी ने कही। वह निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आई थी। अभिनेता गोविंदा की फिल्म आंखें से अपना फिल्मी सफर शुरू करने वाली लाल दुपट्टा गर्ल रितु शिवपुरी मीडिया से रूबरू हुई और बेबाकी से सवालों के जवाब दिए। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है और उर्मिला मातोंडकर के बचाव में अभिनेत्री रितु शिवपुरी ने मोर्चा खोल दिया है। रितु ने कहा कि अगर देश के लिए कोई अच्छा करना चाहता है तो अच्छी बात है, उसको ट्रोल करके नीचे गिराना गलत है। उन्होंने किशोर कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग को जायज भी बताया। उन्होंने अपनी राजनीति में आने के सवाल पर कहा कि अभी सोचा नहीं है। हम एक्टर्स की तरह क्या होता है, हम बहुत कुछ देखते हैं रियल लाइफ में, आपको पता है बहुत सी कहानियाँ बनती हैं, सुनते हैं रोज अच्छी घटनाएं, हम सब देख रहे हैं क्या हो रहा है देश में। हर जने की इच्छा होती है कि अपने छोटे से तरीके से कहीं ना कहीं मदद कर पाए, कुछ अच्छा कर पाए अपने देश के लिए या अपने शहर के लिए या अपने कौम के लिए, हर इंसान चाहता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, जिनका है लगाव, जिनको है, जिनमें सहानुभूति है, जिनमें हिम्मत है कुछ करने की देश के लिए, मैं तो चाहूँगी जितने लोग मिलकर हाथ बटाएं, मिलकर कुछ अच्छा करें, देश का अच्छा ही हो रहा है, प्रगति हो रही है, तो जितने अच्छे लोग आएंगे तो अच्छी बात है। मैं आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहेंगे अगर पॉलिटिक्स में जाने का मूड बना? सोचेंगे, देखेंगे। किशोरदा को भारत रत्न मिले, एक ऐसा कलाकार डिजर्विंग इंसान है, उनको नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? उन्होंने लाइफ लॉन्ग बॉलीवुड का सर ऊंचा किया है, इंटरनेशनली जाने गए हैं वो, और उनके जैसा आई थिंक म्यूजिशियन मतलब पीढ़ियों में नहीं आएगा। खंडवा से संजय चौबे की रिपोर्ट। यूपी के सुल्तानपुर जिले से टिकट फाइनल होने के बाद पहली बार मेनका गांधी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंची, स्वागत में उमड़ी जन सैलाब का मेनका गांधी ने अभिवादन किया और गाड़ी से उतरकर उनसे मिली। सुल्तानपुर में भाजपा प्रत्याशी मेनका गांधी के आगमन को लेकर पूरा भाजपाई कुनबा बेहद उत्साहित दिखा। जैसे ही मेनका ने उंच गांव में एंट्री की तो लोगों ने मेनका के स्वागत में पुष्प वर्षा कर दी। अपने पति संजय गांधी की कर्मभूमि और अपने बेटे वरुण गांधी की सीट सुल्तानपुर में मेनका गांधी बेहद खुश दिखाई दी। मेनका लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तय कर यहां पहुंची। इस दौरान उन्होंने यहां कहा कि जनता ने हमेशा हम लोगों को बहुत प्यार दिया और मैं बहुत खुश हूं कि मुझे उनकी सेवा करने का मौका मिला। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। शामगढ़ तहसील के पिछला गांव के पास दलसिंह बंजारा के बाड़े में भीषण आग लग गई। बाड़े में लगी इस आग में गेहूं और भूसे के साथ साथ गाय और बछड़े भी जल गए। आग में लगभग 20,000 से 25,000 रुपयों का नुकसान बताया जा रहा है। आग लगने के बाद ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को सूचना भी दी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से फायर ब्रिगेड समय पर वहाँ नहीं पहुँची। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही गांव वालों ने आग पर काबू पा लिया था। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ। पूरा नुकसान हो गया, किचन रूम था, किचन भी जल गया ना? हाँ, पूरा जल गया था। अच्छा, और क्या था आपके मकान में? सब था, बर्तन वर्तन खाने पीने का, गाँव वाँव सब जल गया। इनके अलावा कपड़े कपड़े की सुन रहे हैं? सब कपड़े सब जल गया था। अच्छा, जानवर में? जानवर में गाय जली है, केड़ी जली, वो दोनों के दीवान और हमारे पास पास में दोनों का मकान जल गया। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। घर के बाहर खड़ी स्कूटी को एक बदमाश ने आग के हवाले कर दिया। घटना बैतूल के कोठी बाजार स्थित भावसार मार्केट की बताई जा रही है। स्कूटी में आग लगने के लिए बदमाश ने डीजल का उपयोग किया। आग लगाने की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में साफ दिख रहा है, एक आदमी मुंह पर कपड़ा बांधकर आया है, स्कूटी पर डीजल डालकर आग लगाई और मौके से फरार हो गया। गाड़ी मालिक इमरान और बबलू ने घर से बाहर देखा,
बचाने के लिए बाहर भी आया, लेकिन तब तक स्कूटी जलकर खाक हो चुकी थी। घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई। सिमर रोड पे गली में रात में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा स्कूटी जलाने की शिकायत की गई है। इमरान द्वारा स्कूटी जलकर पूरी नष्ट हो गई है। इस संबंध में जाँच की जा रही कैसे जली है और सीसीटीवी फुटेज लेकर उसे पता रसी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। जांजगीर चांपा जिले के जनपद पंचायत बमनीडीह के सरपंच पति और सचिव पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सरपंच पति और सचिव ने मिलकर स्वच्छ भारत मिशन की राशि का गबन कर दिया और उन्हें राशि नहीं दी। सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश में शौचालय बनाने का आदेश दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि जो हितग्राही अपना स्वयं का शौचालय बनाते हैं तो उनको 12,000 रुपये सरकार की तरफ से सहयोग राशि दी जाएगी। ग्रामीणों ने अपनी कमाई से शौचालय तो बनवा दिया, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों को उनका पैसा नहीं मिला। ग्रामीणों ने बमनीडीह के सरपंच पति रिखी राम डडसेना और सचिव शडवा राम साहू पर पैसे टकारने के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि सरपंच पति और सचिव दोनों ने महिलाओं के खाते में पैसा डालने की बात कहकर कुछ कागजातों पर दस्तखत भी करवा लिए, लेकिन उनके खाते में पैसा आज तक नहीं आया है। अब ग्रामीण अपना ही पैसा पाने के लिए कभी जनपद पंचायत, कभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी के यहाँ, तो कभी कलेक्टर के यहाँ भटक रहे हैं। शिकायत के बाद भी ग्रामीणों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। सूत्रों की माने तो सरपंच पति सचिव दोनों की दबंगई से पूरा पंचायत हैरान परेशान है। हितग्राही लोग मेरे पास आकर शिकायत की है कि हमारा टॉयलेट का पैसा भी नहीं मिला है और शौचालय हमने अपने पैसे से बनाया हुआ है, और बार बार मैं साहब से संपर्क किए, हम लोग तो साहब लोग हमको सूची नहीं दे रहे थे। बहुत कोशिश करने के बाद जब जनपद में हम लोग प्रस्ताव पारित किए तो सूची उपलब्ध हुई। सूची से जब मिलान किया गया तो जो लोग मेरे पास शिकायत लेके आ रहे थे उनका नाम सूची पे है, और मेरे को ऐसा पता चला है कि पूरा पैसा, चूंकि वो SBM का है, SBM का पूरा पैसा पंचायत में पहुंच चुका है और सरपंच और सचिव मिली भगत कर इस पैसे को निकाल के खा गए हैं। उक्त समय में सचिव जो है सड़वाराम साहू था और दोनों के मिली भगत से पूरा राशि निकाल करके गबन कर लिया गया है। इसकी जाँच हेतु कलेक्ट्रेट में हम आवेदन देने आए हैं और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। अभी की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।